उत्तर प्रदेश सरकार ने जब से प्रत्येक जिले के लगभग बहुत से क्षेत्रों को परिसीमन के तहत ग्राम पंचायतों को नगर पालिका में विलय करने का प्रस्ताव प्रशासन ने शासन को भेजा है, तभी से गाजियाबाद के विकास खंड लोनी से उन 11 प्रधानों की बेचैनी का कारण बना हुआ है, जिसको लेकर तमाम प्रधानों ने ग्राम डुगरावली के प्रधान दर्शन सिंह के नेतृत्व में एकत्रित होकर गाजियाबाद के जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा, जिसको लेकर ग्राम बंथला के प्रधान पति संदीप, ग्राम सिकरानी के प्रधान रजनीश, लोनी के ग्राम सादाबाद डुगरावली के प्रधान दर्शन सिंह के साथ संयोजित होकर उत्तर प्रदेश सरकार के विरुद्ध हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की है, जिसमें याचिकाकर्ता की ओर से बताया गया है कि परिसीमन के तहत विलय न होने को लेकर दलीलें पेश करते हुए इस बात का स्टे ऑर्डर लिया है कि जब तक निर्णय न आ जाए तब तक सरकार की तरफ से कोई एक्शन न लिया जाए। लोनी के ग्राम सिकरनी के प्रधान रंजेश ने बताया कि ग्राम पंचायत के तहत प्रदेश सरकार की तरफ से गांव के विकास कार्य पर खर्च होने वाली धनराशि मार्च 2023 तक मांग की है। आगे बताते हुए उन्होंने कहा, जब तक हाईकोर्ट की तरफ से कोई फैसला ना आ जाए तब तक सरकार की तरफ से मिलने वाली धनराशि को ना रोका जाए। वहीं दूसरी ओर जिला पंचायत राज अधिकारी प्रदीप द्विवेदी ने बताया कि जहां तक इन प्रधानों की बात है तो जिला गाजियाबाद में जब से ग्राम पंचायतों को नगर पालिका परिषद में सम्मिलित होने के कारण इनको मिलने वाले विकास कार्यों पर खर्च होने वाली धनराशि शासन स्तर से 30 सितंबर 2022 को डी नोटिफिकेशन कर दिया गया है। डीएम साहब को ज्ञापन सौंपने वाली बात पर उन्होंने कहा कि मामला संज्ञान में आते ही इस मामले को शासन स्तर पर पे तथा निर्देशन स्तर पर विधिक कार्यवाही करवाई जाएगी। नमस्कार सर, मेरा नाम दर्शन प्रधान है, मैं ग्राम पंचायत सादाबाद दुगरावली से हूँ, विकासखंड लोनी जनपद गाजियाबाद। सर, हम जो डीएम साहब से मिलने आए हैं उसका कारण ये है कि हमारी जो ग्राम पंचायत है लोनी ब्लॉक की 11 ग्राम पंचायतों को नगर पालिका में शामिल किया गया, लेकिन शासन द्वारा 31 मार्च 2023 तक हमें समय दिया गया था, लेकिन समय से पहले असंवैधानिक रूप से जो है शासन द्वारा हमारी ग्राम पंचायतों के जो है अकाउंट उनको बंद कर दिया गया है, और कहीं ना कहीं उससे गांव में जो विकास कार्य होने वाले विकास कार्यों पर जो है सरकार ने अंकुश लगाया है। अभी तो उसकी अवधि 31 मार्च 2023 तक है, ये सरकार जो है नगर पालिका का हवाला देते हुए हमारे ग्राम पंचायत 11 ग्राम पंचायतों की जो है जो खाते जो है बंद कर दिए, लेकिन हमारे साथ साथ और भी अन्य जो जिले के जो ग्राम पंचायत हैं उनपे भी जो है नगर पालिका में जोड़ा गया था, जैसे बागपत है, जैसे मुजफ्फरनगर है, और ऐसे कई जगह हैं, गोरखपुर है, लेकिन कहीं भी किसी के भी जो अकाउंट अभी बंद नहीं किए गए हैं, सिर्फ लोनी ब्लॉक और मुरादनगर ब्लॉक है जिसके जो है इन्होंने अकाउंट बंद कर दिए। सरकार चाहती है कि इनको परिसीमन नगर पालिका का परिसीमन करके जो नगर पालिका का क्षेत्रफल बढ़ाया जा रहा है, लेकिन अभी हमें मात्र एक साल ठीक से नहीं हुआ, एक साल हुआ है हमें प्रधान बने हुए, लेकिन संवैधानिक रूप से जो है कहीं ना कहीं सरकार हमारे साथ भेदभाव कर रही है, और जो बिल्कुल गलत है। मेरा नाम रजनीश प्रधान, ग्राम सिकरानी लोनी ब्लॉक जिला गाजियाबाद से। वजह ये है सर, हमारी 11 ग्राम पंचायत इनका पैसा रोक दिया गया है राज्य वित्त की न आने के कारण। हम चाहते हैं कि ये किस्त सरकार हमें दें और हमारे विकास कार्य हो, जिससे कि हमारी सफाई, सभी विकास कार्य रुके हुए हैं, जो जल्द से जल्द किस्त दिवाएं और हमारे विकास कार्य चालू। हमारा अनुरोध रहेगा कि भेदभाव नहीं किया जाए ग्राम प्रधानों के साथ, नहीं तो आने वाले चुनाव में ये भुगतना पड़ेगा। आश्वासन यही है, हमने ज्ञापन दिया है कि हमारी किस्त जो रोकी गई है राज्य वित्त की, उसको चालू कराया है। हाँ, अभी तक इन ग्राम पंचायतों में जो पूर्व में धनराशि दी जा रही थी वो शासन के द्वारा दी जाती रही है, और आज भी शासन के द्वारा ही इन ग्राम पंचायतों को सीधे उनके खातों में धनराशि हस्तांतरित की जाती है। जहाँ तक इन प्रधानों की बात है तो जनपद गाजियाबाद में इन ये ग्राम पंचायतें नगर पालिका परिषद में सम्मिलित होने के कारण इनका 30 सितंबर 2022 को शासन स्तर से इनका डी नोटिफिकेशन कर दिया गया है,
हो सकता है डी नोटिफिकेशन होने के कारण इन ग्राम पंचायतों को धनराशि ना दी गई हो। अगर इनके द्वारा ज्ञापन जिलाधिकारी महोदय को प्रस्तुत किया गया है और वो ज्ञापन मेरे संज्ञान में आता है तो मैं इसको शासन स्तर पे और निदेशक स्तर पे इसको संप्रेषित करके इसकी जानकारी करूँ। तो सर ये क्या कभी इसमें उम्मीद बताई जा सकती है कि इनको ग्राम पंचायतों को पैसा मिलने की उम्मीद है? बिल्कुल डी नोटिफाई किया गया है। अगर डी नोटिफिकेशन के बाद शासन स्तर पे ही कार्रवाई की जानी है और शासन इनके प्रकरण को इनके ज्ञापन को हम राज्य स्तर पे संप्रेषित करेंगे और शासन स्तर पे जो भी निर्णय लिया जाएगा उससे हम आपको और ग्राम पंचायतों को तत्काल अवगत कराएंगे।